टिहरी से एक गुणानंद पांडे जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न कर्मकांड से संबंधित किया हुआ है। वे कह रहे हैं कि पूर्णाहुति में सूखा कटा नारियल की पूर्णाहुति क्यों दी जाती है, इसका शास्त्र में कहीं कोई प्रमाण हो तो बताने की कृपा कीजिए, ऐसा ये पूछ रहे हैं। मतलब पूछ रहे हैं कि पूर्णाहुति में लोग नारियल को रखते हैं और काट करके रखते हैं, सूखा रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इसका कोई प्रमाण है क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, पूर्णाहुति का जो विधान है, पूर्णाहुति में यज्ञ मीमांसा है, यज्ञ मीमांसा ग्रंथ में देखिए, चतुर्गृहीत माज्यम तत् गृहीत्वा श्रुचि मध्यतः वस्त्र तांबूल पूगादि फल पुष्प समन्वेताम। पूर्णाहुति में क्या क्या चीज रखनी चाहिए ये इसमें बतला रहे हैं। सबसे पहले तो चतुर्गृहीत माज्यम, शुरू से सूचि में चार बार घी को भरना चाहिए। तदगृहीत्वा सूचि मध्यता, सूचि के अंदर, और उसमें वस्त्र, वो जो फल है वो वस्त्र से वेष्टित होना चाहिए। तांबूल, तांबूल भी रखे उसमें पान, और पूगादि फल, पूगी फल और आदि फल से नारियल आदि फल, पुष्प समन्वितम, और पुष्प आदि रखे। और कई हवनों में एक प्रादेश मात्र की एक समिधा भी उसमें रखे। ये है, ये जो है यज्ञ मीमांसा में प्रयोग दर्पण ग्रंथ का उद्धरण देते हुए लिखा गया है। तो ये सब संवार है। ऐसा नहीं है कि पूर्णाहुति में नारियल ही रखा जाए और वो भी काट करके रखा जाए, ऐसा कोई ऐसा ही विधान नहीं है। पूगी फल आदि रख सकते हैं, सुपारी रखे तो आदि से नारियल, और जगह भी नारियल नारकेल भी लिखा है। देखिए पूर्णाहुति की विधि क्या है, ये कर्मकांड का बहुत अच्छा ग्रंथ है, ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय। इसमें पूर्णाहुति की विधि क्या है, किस तरीके से पूर्णाहुति देनी चाहिए, ओ मैं आपको अभी पढ़ करके बतलाता हूं। अक्षर सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पूर्णाहुति है इसमें ऐसा नहीं है कि जो है काट करके ही फल रखें। कुछ तो वेद के अनुसार होता है, कुछ पुराण या भाष्य ग्रंथों के अनुसार होता है, सूत्र ग्रंथ गृह सूत्र के अनुसार, और कुछ पद्धति के अनुसार आचार्य लोग उस पद्धति में पुराण आदि से कोई विशेष बात को जोड़ देते हैं, पद्धति अनुसार होता है। कुछ आचारात होता है, आचार प्राप्त होता है, अपने आचार परंपरा प्राप्त होता है, और कुछ देश और काल से स्थान विशेष का कुछ आचार क्रियाएं लोकाचार भी उसमें जुड़ जाता है। तो जो जो वेद से अविरुद्ध है वे लोकाचार, वे जो है संप्रदायाचार, वो स्थानाचार, वो कुलाचार, वे देशाचार भी मान्य है। और यदि शास्त्र से विरुद्ध में है, शास्त्र से विरोधी बातें हैं, तो वे मान्य नहीं है। तो अब कोई नारियल रखने का विधान है, नारियल पूर्णाहुति में रखे या सुपारी रखे, अब ये भी है। इसमें जो है चतुर्गृहीत माध्यम बताया था, कहीं चतुर अष्ट द्वादश वारम वा गृहीत माध्यम ऐसा भी कहा गया, चार बार आठ बार या बारह बार जो है भर करके सूची में घी को डाले, तो ये विकल्प भी है। तो वो नारिकेल जब रख रहे हैं तो उनको लगा कि नारियल तो पोला है, खाली है, तो इसलिए इसमें क्यों ना घी और जो है बूरा भर दिया जाए, हविष्य भर दिया जाए। तो ये विचार करके उसको थोड़ा सा काट करके, और फिर कुछ लोग घी और उसमें साकल्य भर देते हैं, और उसमें उसको पूरित करके फिर उसको बंद करके और फिर उसको वेष्टित करके लगा देते हैं।
तो इसमें कोई कहीं निषेध नहीं है कि भाई वो ऐसा नहीं करे, और कर रहे हैं तो घी इत्यादि भर करके देते हैं तो वो मान्य है, इस दृष्टि से कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात मुख्य रूप से यदि उसमें कोई साबुत नारियल रख देते हैं तब भी ठीक है, नारियल नहीं होता है तो सुपारी आदि रख देते हैं तब भी ठीक है। देखिए पूर्णाहुति की विधि ये ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय में 363 पृष्ठ पर बताई गई है, आप लोगों के भी काम की होगी। छोटी सी विधि है, देखिए अथ पूर्णाहुति होम, पूर्णाहुति होम कह रहे हैं, तत्र उपकल्पनीयानि, जो संभार कुशकंडिका में रखे गए हैं, आज्य स्थाली होमावशिष्टा दाज्या दन्य आज्यम, क्या रख, अब ये बता रहे हैं कि ये जो पूर्णाहुति में क्या क्या चाहिए, तो कह रहे हैं आज्य स्थाली होमावशिष्टात अन्यत आज्यम, जिस आज्य स्थाली से अभी हवन हो रहा था, जिस पात्र में जो हवन के लिए घी रखा गया है उसको आज्य स्थाली कहते हैं, तो उसमें जो घी रखा है उससे अलग घी, उस घी को तो हवन में डाल दीजिएगा और उस पात्र में कोई नवीन घी को लीजिए। वैकंकति श्रुक, विकंकत वृक्ष की श्रुक, और खादिरा श्रुभ, और खदिर खदिर का श्रुभ, माने श्रुक माने श्रुचि, विकंकत वृक्ष की बनी हुई श्रुचि होनी चाहिए, और खादिर मयम श्रुभम खैर का श्रुभा, सम्मार्ग कुशा और सम्मार्ग कुशा, पांच कुशाओं की बनी हुई सम्मार्जनी जिससे वो मार्जन किया जाएगा, पवित्रे और दो पवित्रक, नारकेल फलम, और नारियल फल चाहिए, देखो लिखा ना कि नारियल फल पूर्णावती में चाहिए, रखवा रहे हैं अभी इन चीज की जो है इनकी आवश्यकता होगी, तांबूल बीटकम, और लगा हुआ तांबूल का वीड़ा जिसमें जो है पूगी फल और एला लवंग आदि पड़ा हुआ है, और पूगी फलम एक सुपारी साबुत अलग, पट्ट वस्त्र खंडम, और रेशमी लाल वस्त्र का खंड, इसमें रक्त लिखा नहीं है पर वो रक्त का ही विशेष महत्व है, अन्यत्र लिखा हुआ है ऐसा। अब कह रहे रक्त सूत्रम कलावा, पुष्पाणि पुष्प, पुष्पमाला च, और पुष्प की माला, इत्येतान्युपकल्प्य, इन सभी संभारों को एकत्रित रख करके, क्योंकि पूर्णाहुति करनी है तो ये सब संभार चाहिए, तो पहले रखे, हस्ते जलम आदाय, हाथ में जल लेकर के और संकल्प करे, जिसके निमित्त कर रहे हैं जैसे कि जो गृह शांति के निमित्त पूर्णाहुति हो रही है तो उसका संकल्प दे रहे हैं कि अद्य पूर्वोच्चारित शुभ पुण्यतिथौ कृतस्य गृह शांत्याख्यस्य संपूर्णता सिद्ध्यर्थम वसुरधारा समन्वितम पूर्णाहुति होमम करिष्ये, ये संकल्प करे। अब ये यहां से पूर्णाहुति करने की प्रक्रिया शुरू होती है, आज्यम निरूप्य अग्नौ अधिश्रित्य, अब आज जो है आपका अन्यत्र पात्र में उससे आज्य स्थाली में आज्य को ले ले वे, जिससे जो है बसुर धारा समन्वित पूर्णाहुति करनी है, और अधिश्रित्य जिस विधि से पहले अधिश्रयण हुआ था दक्षिणतः ब्रह्मणा ब्रह्मा के द्वारा, तो उसको उसी विधि से अधिश्रित करे। श्रुभम श्रुचंच प्रतप्य, श्रुभ और सूचि का विधि पूर्वक जैसा शास्त्र में बताया है पहले जैसे हुआ था वैसे ही प्रतपन करे, सम्मार कुसई समृज्य और सम्मार कुसाओं से उनका सम्मार्जन करके, प्रणीतोदकेन अभ्युक्ष्य और प्रणीता के जल से जो सूचि और श्रुभ का प्रोक्षण करे, अभ्युक्ष्य अभ्युक्षण करे, प्रोक्षण होता उत्तान हाथ से, ऐसे किया जाए तो प्रोक्षण होता है और ऐसे यहां से किया जाए तो परियोक्षण होता है, और ऐसे होता है अभ्युक्षण नीचे को अधो हस्ते न, तो यही कह रहे हैं कि अभ्युक्षया नीचे को हाथ करके इसका जो है अभ्युक्षण करें, पुनः प्रतप्य युगपत, युगपत माने दोनों को साथ साथ लिए हुए हैं, प्रोक्षणी को और वो श्रुभ को और श्रुचि को दोनों का पुनः प्रतपन करके
और अग्नि पश्चिम, तो अग्नि के पश्चिम भाग में याम्यायाम निदध्यात, दक्षिण की तरफ निदध्यात रख देवे। अब जो है वो घी अग्नि पर चढ़ाया था वो प्लावित हो गया, पिघल गया है, तो आज्यम उद्वास्य, आज्य को वहां से उठा करके रखे। आज्य मुद्वास्य पवित्राभ्याम उत्पूय, और उसको जो दोनों पवित्रकों से उसका विधिवत उत्तराग्र पवित्रक से, अनामिका और अंगुष्य से दोनों को ग्रहण करके दोनों हाथों से ऐसे उसका उत्पवन करे तीन बार, प्रादेश मात्र उस घी को उठाए। अवेक्ष्य, फिर उसको देखे उसमें कोई अपद्रव्यम निरस्य, कोई अपद्रव्य पड़ा हुआ है तो घी में से निकाले। सुरवेणा चतुरम आज्यम शुचि गृहीत्वा, फिर सुरवा के द्वारा चार बार, चतुर्वारम अष्टवारम द्वादश वारम बा सुरुचि आज्यम गृहीत्वा, उस सुरुचि में जो है सुरवा से भर भर के कोरा है। शिष्टाचारा तस्याम स पूगी फलम तांबूल बीडकम निधाय, शिष्टाचार से, देखिए शिष्टों के आचार से उसमें पूगी फल भी रखे, तांबूल बीडक भी रखे, तांबूल लगा हुआ ये रख दे। तदुपरि रक्त वस्त्र वेष्टितम, उसके ऊपर लाल कपड़े से लपिटा हुआ रक्त सूत्र बद्धम और लाल कलावे से बना हुआ पुष्पमाला परिवेष्टितम, पुष्पमालाओं से वेष्टित हुआ सिंदूरादि भी अर्चितम, सिंदूर इत्यादि गंध पदार्थों से अर्चित हुए नारिकेल फलम निधाय, नारिकेल फल को उसके ऊपर रखे, नारियल को रखे। अब इन्होंने जो है उसको कटवाया नहीं है, उसमें जो है घी नहीं भरवाया, साबुत है, उसके ऊपर जो है वस्त्र लपेटवा दिया है और उसको कलावे से वेष्टित करवा दिया है, उसको रखवाया है। और अब उसके ऊपर अधो मुख स्रुवत छन्नाम ताम सुरचिम आदाय, उसके ऊपर भर करके एक सुरभ को और उसके ऊपर उल्टा रख दे वह सुरभ को, नीचे सुरुचि है, सुरुचि में घी इत्यादि पदार्थ भरे हैं, ऊपर से नारकेल रखा है, उसके ऊपर उल्टा सुरभ रखा है, सुरभ को पकड़ लिया बाएं हाथ से और दाएं हाथ से वो सुरुचि पकड़ ली है। यही कह रहे हैं आगे कि बाम स्तनांत मानीय, उसको इतना उठाए उस सुरभ को कि बाएं स्तन तक ले ले वह यहां, कोई बैठ के करते हैं कोई खड़े होकर पूर्णावती करते हैं, दोनों विधान है। यजमानान्वारब्ध आचार्य, आचार्य जो है यजमान का अनुवारब्ध कर ले, स्पर्श कर ले में। आसीनम एव, आसीने एव, आसीन एव, बैठा हुआ ही यजमान बैठा ही रहे। पूर्णाहुतिम जुहुयात, और पूर्णाहुति का हवन करे, कहीं कहीं खड़े होके करते हैं ना, ये भी बताया गया प्रतिष्ठा मौतिकम के जो है शास्त्रार्थ प्रकरण में, कर्मकांड शास्त्रार्थ प्रकरण में, कि यदि केवल श्रुभ से ही पूर्णाहुति करनी है, श्रुचि नहीं है तो बैठ करके करे, और यदि श्रुचि भी है तो खड़े होकर के करे। परंतु ये जो है रुद्रकल्पद्रुम का उदाहरण देते हुए ये जो है ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चयकार ये लिख रहे हैं कि आसीन एव पूर्णाहुतिम जुहयात, बैठे हुए ही पूर्णाहुति का हवन करे। तो फिर वो जो मंत्र गिनाए गए पूरा अनुवाक है, समुद्रा दूर मेर मधुमाओं इत्यादि यहाँ से लेकर के और पूरा बोल करके फिर वो जो हवन किया जाता है और उसके बाद में शुचि में संसर्ग प्रक्षेप भी होता है। तो ये पूर्णाहुति की विधि बतलाई गई है शास्त्रों में। तो इसमें लोकाचार, देशाचार, कुलाचार, शिष्टाचार आदि की भी जो है मान्यता है, उसका भी वेद अविरुद्ध होने से समादर करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मानना है। हर हर महादेव।